हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ईपीके न्यूज़। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट हिरा फैसल, लेटेस्ट एंटरटेनमेंट बज के साथ। जवाद कालू और शाहजमान अकॉर्डिंग टू पटारी वन हिट वंडर माने जाते थे, जो कि उड़ीका के बाद मेन स्ट्रीम से बहुत अरसे तक टोटली एब्सेंट रहे। लेकिन फिर उन्होंने इमरान इस्माइल के साथ मिलकर पीटीआई का तराना तब्दीली आयरे बना दिया। और फिर क्या था, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और इवन कॉन्सर्ट्स में तब्दीली आयरे का राज रहा। अब तक इस गाने के तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख हिट्स हो चुके हैं। ये रॉक सॉन्ग तो नहीं, बट इट हैज़ ट्रूली रॉक्ड पाकिस्तान। ईपीके में तब्दीली आयरे सिंगर्स जवाद एंड शाहजमान इन आर स्टूडियो। अच्छा, ये बताएं कि तब्दीली आयरे कैसे बना और इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? खालिक जो हैं वो मरियम नवाज़ हैं। मरियम नवाज़ इस तरह से हैं कि हम लोग जब कराची में इकट्ठे बैठे हुए थे, तो उसी वक्त वो एक चल रहा था मरियम नवाज़ का, जिस पर वो कहती हैं कि रोक सको तो रोक लो ना नवाज शरीफ आ जाएगा, रोक सको तो रोक लो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, रोक सको तो रोक लो। हमने सोच रहे थे, मैंने कहा यार ये सीधा सीधा गाना है, रोक सको तो रोक लो। इमरान इस्माइल, हम लोग बैठे हुए थे कराची के अंदर, जो अब गवर्नर सिंध हैं, सो उनके साथ फिर ऐसे प्लान हुआ। लिरिक्स इसके जवाद कालों के हैं, जो उससे सारे गाने के लिरिक्स हैं, और कंपोजिशन जो है वो, और बाकी जो है बाकी इमरान इस्माइल सब ने सुन लिया ये गाना। माशाल्लाह ये बहुत हिट हुआ, हर जगह चला, ना सिर्फ पाकिस्तान में, जो चीज़ हमारे लिए भी सरप्राइजिंग है। और हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है हम पर। एक पॉलिटिकल तराने का स्कोप इलेक्शन के बाद लिमिटेड होता है, क्या तब्दीली आयरे का टाइम भी ओवर हो चुका है? कमर्शियल कॉन्सर्ट्स के ऊपर इस गाने की हमें डिमांड आती है। अच्छा, इलेक्शन से पहले तो हम पूरा गाना नहीं सुनाते थे ऑब्वियसली, यार कमर्शियल गाने उसमें कॉन्सर्ट है तो ये गाना थोड़ा पॉलिटिकल है, लेकिन चंद वर्ड्स लोग हों और फिर हम कुछ गा दें तो कोई बदमस्ती ना हो, लेकिन हम इसको कमर्शियल, इसकी इतनी डिमांड आती रही हमें कि हम इसके चंद वर्ड्स हमें गुनगुनाने ही पड़ते थे और उस पर भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता था। तो अभी द गुड न्यूज़ इज़ कि इस गाने का एक कमर्शियल वर्जन हम ऑलमोस्ट दैट इज़ रेडी, और उसको थोड़े ही दिनों में इंशाल्लाह ताला सब लोग देखेंगे, सारी ऑडियंस, हमारे फैंस, सारे दोस्त, सब लोग सुनेंगे। और क्या गवर्नर सिंह भी इसका हिस्सा होंगे? आई डोंट थिंक सो। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेटली कुछ और हो चुकी हुई हैं। आई डोंट थिंक सो, ऑब्वियसली ना, हम लोग उनसे पूछेंगे क्योंकि हमें आंसर पता है, वो कहेंगे नहीं यार, आई डोंट वांट टू बी। अच्छा, हम शरारतन पूछेंगे तो जरूर। अभी वो तो जाएंगे, उससे तो बात नहीं आएंगे। तो ये थी तब्दीली आयरे की कहानी। क्या ये पॉलिटिकल सॉन्ग नेशनल सॉन्ग बन पाएगा? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।